स्टूडियो के शनिवार विशेष कार्यक्रम द रियल हीरो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ऐसे द रियल हीरो से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने लीक से हटकर ऐसा एक गो सेवा का कार्य किया है। गो सेवा रक्षा दल बनाकर ना सिर्फ उन्होंने गाँव में जो गायें या नंदी इस प्रकार जो जोखिम ग्रस्त हो जाते हैं उनकी सेवा के लिए ये इनका दल तत्पर रूप से कार्य कर रहा है। आज इनके साथ हमें लाइव इनके द्वारा किए गए कार्यों को शूट करने का मौका मिला। आज हम शनिवार विशेष कार्यक्रम गांववाणी स्टूडियो में आप सब लोगों को इनसे मिलाने जा रहे हैं। गोरक्षक दल बांसूर की टीम के द्वारा आज यहाँ रेस्क्यू जो लोकेशन है उसके ऊपर हम टीम के साथ में हैं। गोरक्षक दल की टीम आज यहाँ बांसूर में सुभाष चौक के पास स्थित एक ढाणी नोंदावाली के पास इस कॉलोनी के पास में एक जो सांड है उसके नाक में एक लोहे का तार जो डला हुआ है और एक बड़ा सा उसके घाव हो चुका है उसे रेस्क्यू करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। हम इस वीडियो के माध्यम से एक विशेष आग्रह लोगों से करना चाहेंगे कि इस प्रकार जो हमारी गो रक्षा जो ये दल की जो टीम है इनके प्रयास सराहनीय है, श्रेष्ठ हैं और इस प्रकार ये पूरी टीम कई दिनों से इस काम को कर रही है और आज हम इस लाइव साइट के ऊपर आपको बताएंगे कि किस प्रकार जोखिम भरे इस काम को ये पूरी टीम किस प्रकार आगे करती है। ये किस प्रकार ऑन साइट पे ये लोग इस नंदी के ट्रीटमेंट के लिए अपनी टीम के साथ प्रयास कर रहे हैं। ये किस प्रकार अपनी पूरी टीम के साथ ये नंदी के ये नाक में लोगों ने लोहे का एक वायर लगा दिया था जिसे टीम ने इस प्रकार प्रयास करके इस नंदी को रेस्क्यू किया और टीम के द्वारा किस प्रकार इसको ट्रीटमेंट करके सही किया जा रहा है। ये पूरी इनकी टीम आज द रियल हीरो गांववाणी स्टूडियो के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम साझा करना चाहेंगे इन लोगों की इस कर्मठ और नेक गो सेवा जो इन्होंने प्रयास किया है इस तरह का वो काफ़ी श्रेष्ठ रहा है और ना सिर्फ इन्होंने इसे रेस्क्यू करके और पूरा का पूरा एक इसे ट्रीटमेंट प्रदान किया है साथ में ये जख्म से लगातार जो कर्रा रहा था उसे भी सही करने का काम इनकी टीम के माध्यम से किया जा रहा है। आपने देखा कि कैसे ये नाक में इनके ये लोहे का वायर डले हुए होने के कारण ये जोखिम से किस प्रकार कर्रा रहा था उसे इनकी टीम के माध्यम से सही किया गया। ना सिर्फ सही किया गया साथ में इस बैल के माध्यम से रोजाना
जो है परेशान रहता था उसे भी पूरी टीम के साथ में प्रयास करके ठीक किया गया है। ये पूरी गोरक्षक दल की इस टीम के माध्यम से बहुत ही अच्छा ये सुनहरा प्रयास किया जा रहा है। साथ में मैं बताना भी चाहूँगा कि इस पूरे दल के द्वारा इस तरह बानसूर में अलग अलग जगह पर गायें और सांड इस प्रकार से जख्मी जो हो चुके होते हैं उन्हें ये पूरी टीम उस जगह पे जाके और इस प्रकार जोखिम भरे एक सेवा भाव कार्य से ये इन्हें ठीक करने का काम कर रही है। हमने देखा कि कितना जोखिम भरा प्रयास इनका रहता है, लेकिन इनका जो सेवा भाव है वो काफ़ी देखनीय और साथ में इनकी पूरी टीम के साथ ये जो इनका प्रयास किया गया है वो काफ़ी नेक प्रयास है। मैं आग्रह करना चाहूँगा इस गोरक्षक दल की टीम के प्रयासों को आप लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आप देख पा रहे हैं, आप लोग भी अगर अपने आसपास इस प्रकार के गायों के साथ या फिर इस प्रकार बैल के साथ इस तरह के घिनौने अपराध लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, इसे किस प्रकार जख्मी बनाया गया, इसके नाक में लोहे का एक बड़ा वायर डालकर इसे जख्मी बना दिया गया, इनकी टीम को जानकारी मिलने के बाद ये लोग साइट पे आए और ना सिर्फ इसके वायर को नाक से लोहे के वायर को हटाने का काम किया, साथ में जो जख्म थे उनके ऊपर मरहम लगाने का काम भी इनकी टीम के द्वारा किया गया है। तो आओ लौट चले गाँव की ओर, प्रकृति की ओर। जो कार्यक्रम हमारा रविवार विशेष होता था, लेकिन द रियल हीरो वाक्य में ये सभी लोग रियल हीरो हैं जिन्होंने इस प्रकार का नेक काम गो रक्षक दल बनाकर और ये बानसूर में संचालित कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम के सदस्य पूरी तन्मयता के साथ पूरी शिद्दत के साथ इस प्रकार का काम लगातार करते रहते हैं। तो हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि इनके प्रयासों की सराहना करने के साथ साथ आप लोग इस तरह की जो गोरक्षा इनके माध्यम से जो की जा रही है उनके प्रयासों को आप लोग भी सराहेंगे। और हम आपसे यही आग्रह और यही निवेदन करना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार की कोई घटनाक्रम या इस प्रकार का कोई पार्ट आप गायों के साथ आपको भी आसपास में नज़र आता है तो इनकी टीम को ज़रूर आप सूचित करें। अभी अंत में हम इनकी टीम के मोबाइल नंबर और इनकी टीम के दल के जो लोगों की जानकारी है वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आप भी इनकी इस नेक मुहिम से जुड़ें, ना सिर्फ आप जुड़ें, जुड़ने के साथ साथ इस प्रकार के पुनित कार्य को सराहने का भी प्रयास आप लोग करें। तो आओ हम इनके प्रयासों को सराहने के साथ इनके नेक काम को सलूट करते हैं। और वास्तव में द रियल हीरो जो कार्यक्रम जो गांववन स्टूडियो के बैनर तले जो संचालित है उसमें इसी प्रकार लीक से हटकर समाज के ऐसे लोगों के द्वारा किए गए प्रयास जो नेक हैं और साथ में एक मन को छूने वाले प्रयास होते हैं, वाक्य में इनकी पूरी टीम ने किस तरह इस बैल को ना सिर्फ इनका ट्रीटमेंट किया, साथ में इनकी जो इसे एक जगह संकलित करने के लिए जो जोखिम भरा इनका प्रयास रहता है वो भी काफ़ी जोखिम भरा रहता है। जो देखिए आप इस नंदी का ट्रीटमेंट ये लोग यहाँ आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो लोहे का जो वायर इसके नाक में लगा हुआ था वो वायर इस प्रकार काफ़ी दिनों से इसको जख्मी करके रखा हुआ था और उस जख्मी की वजह से ये जो बैल है वो काफ़ी परेशान महसूस हो रहा था। उसका ना सिर्फ इन्होंने ट्रीटमेंट किया बाकी उसका उपचार करने का काम भी कर रहे हैं। इनकी मेडिकल टीम की जो इनको उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है उनके मेडिकल जो साथी हैं वो इसे प्राथमिक उपचार देने के साथ साथ इसकी घाव के ऊपर मरहम लगाने का काम भी कर रहे हैं। तो आप लोगों से हमारा यही विनम्र आग्रह है कि आप इनके प्रयासों को सराहने के साथ इस प्रकार की कोई घटना आपके आसपास इस तरह के गायों के साथ या बैल के साथ में अगर घटित हो रही हो तो आप भी इनके प्रयासों को या इनकी टीम तक सूचना पहुंचाने का आप एक काम करेंगे। वाक्य में मन को छूने वाला और लीक से हटकर एक काम इनकी टीम के द्वारा यहाँ किया गया है। तो गाँववाणी स्टूडियो का जो द रियल हीरो जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का भी यही प्रयास रहता है कि समाज के ऐसे प्रयास जो लीक से हटकर किए गए हैं
और ये प्राथमिक उपचार देते हुए इनकी टीम के मेडिकल जो ट्रेनिंग किया हुआ जो इनका साथी है उसके द्वारा यहाँ इस नंदी को ट्रीटमेंट दिया गया है। साथ में दूसरा जो इनका मेडिकल साथी है वो आप देख रहे हैं कि जो इसके नाक में जहाँ लोहे का वायर लगा हुआ था उस भाग पर ट्रीटमेंट करते हुए आप लोगों को नज़र आ रहा है। इनकी टीम के साथियों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे और इनके द्वारा किए गए प्रयासों की जो झलक है जो आपने यहाँ लाइव आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देखी है वाकई में इनकी मेहनत इनका प्रयास बहुत ही जोखिम भरा होने के साथ साथ एक सराहनीय प्रयास है। आप देख रहे हैं कि इस नंदी के नाक में किस प्रकार ये घाव उस लोहे के वायर की वजह से नज़र आ रहा है। यहाँ इसके ऊपर ये पूरा मेडिकल टीम के माध्यम से ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ना सिर्फ ये उस प्रतिदिन जो जोखिम दर्द से जो कर्रा रहा था ये नंदी, ये भी उसका सही हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जोखिम रहता है ट्रीटमेंट करते समय, क्योंकि दवा की तीखता की वजह से ये थोड़ा सा, क्योंकि घाव पर जब ये मरहम लगाने का काम कर रहे हैं टीम के साथी, तो ये थोड़ा सा नंदी उस जख्म की वजह से, अपनी तकलीफ की वजह से ये तड़फड़ाता हुआ महसूस हो रहा है। वाकई में इस गोरक्षक टीम के जो प्रयास हैं वो सराहनीय हैं और इन्हें हम द रियल हीरो कार्यक्रम के वास्तविक हीरो के नाम से भी हम इन्हें अगर प्रयासों को हम अगर नाम देना चाहें तो वो भी छोटा होगा, क्योंकि इनके प्रयास तो वाकई में समाज को एक नई दिशा देने वाले हैं। इस युवा अवस्था में जब युवा अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा को अनावश्यक जगहों पर यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इन युवाओं ने अपने एक ध्येय के साथ, एक लक्ष्य के साथ इस समाज के सकारात्मक बदलावों को करने का एक नेक काम इन्होंने यहाँ पर किया है। तो आप भी इस पहल से जुड़े, इस मुहिम से जुड़े और जुड़कर इस प्रकार के साझा प्रयासों में अपना योगदान दें, क्योंकि जो गाय है उसका हमारा सनातन धर्म, जो हमारा जो धर्म है उसमें भी एक बहुत बड़ा महत्व है। गाय को एक माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इससे बहुत छूट से गए हैं। वाकई में जो युवा टीम है इसका जोश, इसके प्रयास एक लीक से हटकर होने के साथ साथ युवाओं को एक नई दिशा दिखाने वाले भी हैं। जहां युवा आज व्हाट्सअप, फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग के जाल में जहां फंसे हुए हैं, जहां युवा आज एक दिशा विहीन होते जा रहे हैं, लेकिन इनकी युवा जो टीम है गो रक्षक की, उन्होंने एक नया युवाओं के लिए एक आयाम, एक नई दिशा बनाने का काम भी किया है, जिसे आपने इस द रियल हीरो कार्यक्रम के माध्यम से आज देखा है। वाकई में इनके प्रयास कई दिनों से हम भी देखते आए हैं, लेकिन आज हमारे गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले द रियल हीरो कार्यक्रम के माध्यम से इनकी टीम के प्रयासों को लाइव देखने का मौका मिला। मैंने भी देखा कितना जोखिम भरा काम होता है ट्रीटमेंट से पहले उस गाय को या नंदी को इस प्रकार ट्रीटमेंट से पूर्व बांध कर रखना, क्योंकि पशु का कोई पता नहीं रहता वो किस प्रकार, किस तरीके से, किस ताकत के साथ वो अलग दिशा में बदलने का काम करे। और जोखिम के साथ साथ ये उसे ना सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए इस तरीके से वहीं एक ज़मीन पर लिटाकर और एक ट्रीटमेंट देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहली बार इस चीज़ को अपनी आँखों से देखा कि किस प्रकार गोरक्षक दल के लोग इनकी रक्षा के लिए कितना जोखिम भरा काम इस तरह से करते हैं। इनके नेक काम के लिए इनको, इनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं और साथ में आप लोगों को भी कहेंगे कि इस प्रकार के प्रयासों में इनका सहयोग करें, और जहां भी आपको इस तरह के जोखिम भरे और ऐसे कोई नंदी या गाय आपको दिखें तो इस गो रक्षक टीम को ज़रूर आप बताएं, जिससे ये लोग उसे समय से ट्रीटमेंट दें और ट्रीटमेंट देने के साथ साथ ये लोग उसकी सुरक्षा के लिए अपनी टीम के साथ प्रयास करें। तो आओ हम भी इनके प्रयासों में जुड़ने का एक साझा प्रयास करें।
गांववाणी स्टूडियो के इस द रियल हीरो कार्यक्रम में वाकई में आज हमें ऐसे हीरे, ऐसे द रियल हीरो हमें यहाँ आज हमारे बानसूर में देखने को मिले, जिनकी पूरी टीम गो रक्षा के लिए कितने तत्पर रहकर और लगातार कई वर्षों से काम कर रही है। मैं इन पूरी टीम को मेरी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और इन्होंने बताया कि यह 240वां केस है इनका, जो कि इन्होंने इसे पूरी तरीके से सही करने का एक काम किया है और इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसे ट्रीटमेंट दिया। मेडिकल ट्रीटमेंट करने के साथ इनकी पूरी टीम के द्वारा इसे वापस सही किया गया है। ये आपने देखा कि ट्रीटमेंट के बाद वापस ये नंदी अपनी पूर्व अवस्था में हो चुका है। मैं टीम से आग्रह करूंगा कि वापस सामान्यतः इसको अपने मूल रूप से जाना दिया जाए, क्योंकि पहले कर्रा रहा था और अब ये बिल्कुल सही होके और ये नंदी आगे की ओर जाते हुए आपको प्रतीत हो रहा है। पहले जब हम इसको देख रहे थे तो ये बिल्कुल जोखिम में और अपनी सर को बार बार दीवार पर मार रहा था, क्योंकि इसके नाक में लोहे का एक बड़ा वायर डला हुआ था। लेकिन इनकी टीम ने इसे ना सिर्फ वायर को तोड़ने का काम किया, बाकी इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट देके और सही करने का भी काम किया है। गांववाणी स्टूडियो के द रियल हीरो कार्यक्रम में आज बानसूर की गो रक्षा दल की पूरी टीम हमारे साथ में है और आपने देखा कि किस प्रकार इन्होंने एक नंदी की सेवा करके उसके नाक में जो लोहे का बड़ा वायर डला हुआ था उसे ना सिर्फ तोड़कर हटाने का काम किया, साथ में उसे प्राथमिक उपचार देकर और प्रॉपर तरीके से उसे जो नियमित रूप से वो पीड़ा झेल रहा था उसे मुक्त करने का काम किया। मैं जानना चाहूँगा आपकी टीम से कि किस प्रकार आप कितने समय से ये नेक काम कर रहे हैं, समाज के युवाओं को एक आदर्श सोच के साथ नई दिशा देने का काम आप कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर ये प्रयास कितने दिनों से है, आपकी जो टीम है वो ये साझा प्रयास कितने समय से कर रही है और गांववाणी स्टूडियो की जो टीम है उसका शनिवार विशेष जो कार्यक्रम है द रियल हीरो, वाक्य में हमें आप की पूरी टीम के इन प्रयासों को एक रियल हीरो के रूप में आज इस स्टूडियो के माध्यम से शूट करने का मौका मिला, तो मैं जानना चाहूँगा सर कि किस प्रकार आप कैसे इसे नियमित रूप से कर रहे हैं। बानसूर गोरक्षक दल निरंतर 2 वर्षों से गौ सेवा में लगा हुआ है। पूरे बानसूर क्षेत्र में कहीं भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना से घायल गौवंश का बानसूर गोरक्षक दल निरंतर सुबह शाम मिलकर अपने सहयोगियों के साथ हम उपचार कर रहे हैं और ग्रामीणों का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। जिस प्रकार की दवाइयां हो और भी किसी प्रकार का खर्च होता है तो पूरे बानसूर क्षेत्र से निरंतर सहयोग आ रहा है। हमारी गोरक्षक दल टीम पूरे बानसूर में कहीं भी किसी भी प्रकार की गोवंश दुर्घटना होती है या किसी भी प्रकार की घटना होती है तो पूरे टीम साथ मिलकर उनका उपचार करती है। निरंतर सुबह शाम बानसूर गोरक्षक दल गायों के उपचार के लिए प्रयासरत है और आगे भी प्रयासरत रहेगा। मैं पूरे बानसूर क्षेत्र से और बानसूर की जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि बानसूर से जो युवा हैं वो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि 10-12 लोगों की टीम पूरे बानसूर क्षेत्र को एक साथ नहीं देख सकती, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, दिन में हम उपस्थित एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए बानसूर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से भी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हमारे साथ आएँ और पूरे बानसूर को हमारे साथ सहयोग करने के लिए आशा करें। और मैं पूरे बानसूर क्षेत्र की जनता से एक अनुरोध करूंगा कि हमें किसी भी प्रकार की सहायता करने की कोशिश करें। चाहे निश्चित रूप से सर जो प्रयास आप कर रहे हैं, आरंभ में आप लोगों ने बताया कि आज 240वां ये आपका केस है और इस नंदी को पूरी तरीके से आपकी टीम ने ना सिर्फ जिस जोखिम के साथ आपने उसे रस्से डालकर एक तरीके से पूरा ज़मीन पर लिटा के और उसके ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया, मैं जानना चाहूँगा कि सर ये 240 जो केस आपकी टीम ने और आपकी जो टीम का साइज है, जिस टीम साइज से आप 8 से 10 लोगों की इस टीम को बनाकर और इन प्रयासों को लगातार आप कर रहे हैं, इस नेक गो सेवा के काम को आप लोग कर रहे हैं, तो मैं आपकी टीम से इन अनुभवों को मैं जानना चाहूँगा कि सर कैसे आपके मन में ये भाव आया
कि आप इस, क्योंकि युवा जिस उम्र में आप लोग हैं उस उम्र में आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जाल इस तरीके से फैलता जा रहा है कि युवा अपनी मुख्य धारा से विमुख होकर और एक अलग दिशा में जा रहा है, लेकिन आपकी जो दिशा है वाक्य में, आपके जो संस्कार और आपकी जो सोच है वो एक अलग स्वरूप के रूप में समाज में एक आदर्श स्थापित कर रही है। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये टीम आपने कैसे बनाई, किस प्रकार आरंभ आपकी इस गोरक्षा टीम का हुआ, एक प्रकार से मैं आपकी इस यात्रा को वाक्य में, आपको मुझे लग रहा है कि गाँव वाणी स्टूडियो का जो युवा जागृति संस्थान का एक प्रयास था कि गाँव के अंतिम छोर पर इस प्रकार की जो रियल हीरो जिन्होंने लीक से हटकर एक ऐसा काम किया हो जो कि एक समाज में सकारात्मक संदेश देने वाला हो, वो मैंने खुद अपनी टीम के साथ एक लाइव आपके यहाँ पर देखा। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि आपकी टीम कैसे बनी, किस प्रकार आपने युवाओं को संगठित करके अपनी एक टीम बनाई, इस द रियल हीरो कार्यक्रम में बाकी लोग भी जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे वो आपसे युवा प्रेरणा लेकर एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा सर कैसे आपने किया। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्कारों ने ही हमें गौ माता की रक्षा एवं सुरक्षा और सेवा का कार्य करने के लिए सिखाया है और निरंतर हम उन्हीं के आदर्शों पर गौ माता की सेवा और सहायता में तत्पर रहते हैं। मेरे भाई कुलदीप और हम कुछ समय पहले एक नंदी महाराज के मुंह में डब्बा फंसा हुआ था, हम मार्केट में जा रहे थे और लोग उनके उसके पीछे पीछे डंडा लेके पत्थर मार मार के भगा रहे थे। हमने सोचा कि यार ये डब्बा कैसे ना कैसे निकाला जाए। पास गए तो नंदी महाराज मारने के लिए दौड़े, लेकिन एक दिन हुआ हमसे नहीं हो पाया। दूसरे दिन हमने दो चार लोगों को, पूरी टीम को, आसपास के लोगों को संपर्क किया और दूसरे या तीसरे दिन उस नंदी महाराज का हमने वो डब्बा निकाल दिया और आज तक 2 वर्षों के बाद भी वो नंदी महाराज स्वस्थ हैं, कोई उनको तकलीफ़ नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे हम अलवर गोजी परमार सेवा संस्थान से जुड़े, विपिन भाई योगी के सहयोग से हम निरंतर सेवा करते जा रहे हैं और अगर कोई बड़ा केस होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता, हम उसको ठीक नहीं कर सकते, तो गोजीव परमार सेवा संस्थान अलवर विपिन जी योगी से संपर्क कर हम उसे अलवर भिजवा देते हैं ताकि उसका समय पर इलाज शुरू हो सके और गौ माता सुरक्षित रह सके, ऐसा सहयोग कर। धन्यवाद सर, किस प्रकार आपने अपनी टीम को और इस विजन को आपने आरंभ किया, वो यात्रा वृतांत आपने हमें अपने इस गांववाणी स्टूडियो के द रियल हीरो कार्यक्रम में आपने हमसे साझा किया। मैं आपकी टीम से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपने अनुभव साझा करें कि इन 240 अलग अलग तरह के गौ माता की सेवा के लिए आपके दल ने इस प्रकार का जो सराहनीय प्रयास किया है वो किस प्रकार, कहां कहां और कैसे आरंभ किया, इन लोगों को भी ये आदर्श प्रेरणा कैसे मिली। मैं आपकी टीम से भी आग्रह करूंगा कि किस प्रकार आपकी टीम के जो सदस्य हैं उन्होंने अपने आप को इस अभियान से जोड़ा, मैं उनके अनुभव भी, क्योंकि आज पूरी टीम आपकी द रियल हीरो के रूप में बानसूर में काम कर रही है, तो आप लोगों को कैसे, क्योंकि जब तक इस प्रकार के काम व्यक्ति तभी करता है जब मन से उसके भाव इस सेवा भाव में जुड़ते हैं। सेवा और संस्कार और संस्कृति ये एक ऐसे भाव होते हैं जिनको व्यक्ति अपने संस्कारों के साथ साथ अपने मस्तिष्क के मूल प्रवृत्ति के साथ जब वो अपने मन के अंतर्मन से इन चीज़ों को भान करता है तभी उन कामों को कर पाता है। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि कैसे आप इस अभियान से। वंदे गौ मातरम, हमने काफ़ी दिनों से ये सेवा स्टार्ट कर रहे हैं, करीबन 2 सालों से हमारे पास काफ़ी केस आते हैं, कोई तो एसिड डालता है, कोई मुँह में नंदी महाराज के बम डालकर विस्फोटक करता है, कोई कुलाड़ी मारता है, कोई क्या करता है, कोई रस्सा डाल के फांसी लगा देता है, काफ़ी ऐसे केस आए और पूरी टीम के सहयोग से हम उनका इलाज कर रहे हैं। बानसूर की जनता हमारा सपोर्ट करती है, जो भी हमको चाहिएता है दवाई वगैरह वो सब दिलाती है और जो मेरी पूरी टीम मेरा सहयोग करती है और बानसूर के आसपास के क्षेत्रों से गिरूड़ी, हमीरपुर, ओलास, नारायणपुर, ज्ञानपुरा, इन सब जगह से हम केस लेकर आते हैं। हमारे पास आज ये 240वां केस था, इसको तार फंसा हुआ था। अशोक जी भाई साहब ने हमको सूचना दी कि एक नंदी महाराज के नाक में किसी ने तार डालकर उसको जख्मी कर दिया है, पूरी टीम पहुंची समय पर, इसका तार निकाल दिया गया है। वंदे गौ मातरम।
धन्यवाद सर। बाकी लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी, क्योंकि सर आपकी पूरी टीम रियल में एक द रियल हीरो है, और उनके प्रयासों को हम हमारे इस गाँववाणी स्टूडियो के माध्यम से साझा करने का काम कर रहे हैं। तो सर आप भी अपने अनुभव साझा करें। वंदे गोमातरम। मैं अभी कुछ समय पहले कुलदीप भाई से मिला था, और मैंने इनको ऐसे ही किसी केस को मतलब रेस्क्यू करते हुए देखा। उसके बाद से मेरे भी मन में ये भाव आया कि इनके साथ मिलकर यही कार्य आगे करें, क्योंकि गौ माता हिंदू धर्म की माता मानी जाती है, एवं बहुत लोग इसका प्रयास भी कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया जाए। और एक जो भाव है, पीड़ित की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, तो उसी को लेते हुए हम लोग ये आगे कार्य करते हैं, और सबका सपोर्ट रहता है, सहायता रहती है, और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। वंदे गौ मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद सर। मेरी गांव के आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों से और गांव के लोगों से एक अपील है कि जो भी स्वयंसेवक सेवा से जुड़ना चाहता है, उसका मानसूर गोरक्षक दल स्वागत करता है। और आपके क्षेत्र में अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दुर्घटना या घटना गौवंश के साथ घटती है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, उनका समय पर शीघ्र ही इलाज किया जाएगा। मेरा नाम मनीष जोशी, मोबाइल नंबर 9667909518। जय गौ माता की। मेरा नाम कुलदीप गौड़, मोबाइल नंबर 9694996936। मैं योगेंद्र सिंह, मेरे मोबाइल नंबर 9887731005। धन्यवाद। और गाँववाणी स्टूडियो का भी अच्छा प्रयास रहा आप लोगों के साथ, इस तरह के द रियल हीरो कार्यक्रम में हमने आप लोगों को शूट किया। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से और युवा जागृति संस्थान की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार का एक नेक काम, एक समाज में युवाओं को सकारात्मक राह दिखाने के साथ गो सेवा से जुड़कर आपने ये काम किया है। इसी प्रकार एक समाज में ऐसे ही नए हीरो के साथ आप लोगों को अगले शनिवार फिर रूबरू कराते हैं। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। और गाँववाणी स्टूडियो के द रियल हीरो कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं, तो हमारे गाँववाणी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।